इस वीडियो में बात करेंगे एक और एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जो इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसका नाम है SRM JEEE। तो SRM JEEE आपकी जो SRM यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट कराती है इस एग्ज़ाम को। अगर आपको SRM में एडमिशन लेना है, SRM में इंजीनियरिंग करनी है, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें आपको अगर एडमिशन चाहिए तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। किसी और एग्ज़ाम से अगर JEE की बात करें तो उससे इसमें एडमिशन नहीं होता है, इनका अपना एक एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं करेंगे कि यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए नहीं, तो उसका जो रिव्यू है अगर आप चाहते हैं तो अलग से मैं देने की कोशिश करूँगा। पर SRM के बारे में काफ़ी पिछले साल नेगेटिव बातें भी हुई थी, एक तो इसकी फ़ीस की वजह से और जो उसमें प्लेसमेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, जो कैसी पढ़ाई होती है उसके हिसाब से। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे SRM JEEE एग्ज़ाम क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है और आपको देना है नहीं ये तो आप पे डिपेंड करता है। पर इसके बारे में जो बच्चे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि SRM बिल्कुल ख़राब, क्योंकि SRM पिछले साल SRM से कुछ अच्छे बच्चे भी गए हैं और कुछ अभी न्यूज़ें भी आ रहा है SRM स्टूडेंट्स के बारे में, तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे लगता है। तो बात करते हैं SRM JEEE में आपके एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे उसके बारे में पहले बता देता हूँ आपको, अक्टूबर के लास्ट वीक तक अवेलेबल हो जाएंगे और एडमिट कार्ड आपके जनरली अप्रैल मंथ में आ जाते हैं और एग्ज़ाम भी अप्रैल में ही खत्म हो जाता है लास्ट में। पिछले साल अगर बात करें तो एग्ज़ाम 15 से 25 अप्रैल के बीच हुआ था, तो वो आपको चॉइस मिलती है कि आप कौन सी डेट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जिस भी डेट को आप सिलेक्ट करेंगे उसी दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में होता है और ये जो एग्ज़ाम है ये आपका 2.5 घंटे का होता है, 2 hours and 30 minutes, 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है। और अगर मार्किंग की बात करें तो मार्किंग आपका एक करेक्ट आंसर पे आपको 3 marks मिलते हैं, यानी कि 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं तो आप सारे आंसर दे सकते हैं, तो इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और हर एक क्वेश्चन का आपको 3 marks मिलते हैं। अगर सेक्शन की बात करें तो इसमें PCM होता है और जो बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं उनके लिए PCB होता है, उनको बायोलॉजी लेनी पड़ती है। जब आप एग्ज़ाम देंगे आपके पास एक इंटरफेस आएगी जिसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको मैथ्स करनी है या बायो करनी है, तो उसी वक्त आपको सिलेक्ट करना होता है आपको मैथ्स या बायो। तो वहाँ पर डिपेंड करता है आप कौन से कोर्सेज के लिए अप करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको मैथ्स या बायो सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो इसमें आपके 35 क्वेश्चन होते हैं इस सेक्शन में, यानी कि कुल मिला के अगर आप देखा जाए तो आपके जो है 105 marks का आपका एक सेक्शन होता है, तो 3 sections मिला के आपके 315 नंबर, 315 marks आपका पेपर होता है। और इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कौन कौन से बच्चे इसको एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो डिपेंड करते हैं कैंपस पे, इसके जो SRM के कैंपसेज हैं उसकी अलग अलग तरह से अलग अलग उसके रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप SRM अमरावती कैंपस में जाना चाहते हैं तो अमरावती कैंपस के लिए आपको 75% एग्रीगेट चाहिए PCM में। और जैसे कि बाकी कैंपसेज हैं, अगर इस कैंपस की बात करें तो इस कैंपस में आपको 60% एग्रीगेट चाहिए। अगर सोनीपत, रामपुर, गाज़ियाबाद की बात करें तो इसमें आपको 50% आपको मार्क्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं वो कौन सा कैंपस जिसमें आपको जाना है, जो उनसे आपको सीट चाहिए उस हिसाब से आपकी मार्किंग होनी चाहिए, 12% होनी चाहिए। डिफरेंट कैंपसेज के लिए डिफरेंट परसेंटेज का रूल है। प्रीवियस ईयर की बात करें तो जैसे कि आपको बताया 15 से लेकर 25 के बीच आपका एग्ज़ाम हो गया था कंडक्ट और रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में आ जाता है, लगभग एग्ज़ाम में कुछ दिनों में ही आपको रिजल्ट अनाउंस कर जाता है। रिजल्ट में आपको आपकी रैंक शो करती है, मार्क्स आपको शो नहीं करते हैं, सिर्फ आपकी रैंक दिखाते हैं कि आपकी कितनी रैंक है, उसी हिसाब से आपको सीट्स मिल जाती है। फ़ीस थोड़ी SRM की ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इस पर डिपेंड करता है कि बच्चा फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है। सो आई होप आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, जो भी एग्जाम का पैटर्न है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं और कितनी मार्किंग होती है, वही भी आपके डाउट्स आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉलीफायर पे कॉल भी कर सकते हैं। कॉलीफायर की मेरी आईडी webcureclasses@cm4। सो आई होप आपके अगर कोई डाउट होगा तो मैं उस पर आपको बताने की कोशिश करूँगा, उस पर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो जो बाकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करेंगे, अगर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम होता है आप मुझे सजेशन भी कर सकते हैं। सो जो भी आपके अलग एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। अभी SRM के बारे में जो भी जानकारी है मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, जो भी जानकारी बच जाएगी उसको अलग से एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो